राम तेरी गंगा मैली, फेम मंदाकिनी आजकल कहाँ है? क्या मंदाकिनी ने वाकई डॉन दाऊद इब्राहिम से शादी कर ली थी? राम तेरी गंगा मैली वाली मंदाकिनी याद है? इन्हें इंडिया में सिर्फ वजहों से याद किया जाता है, मगर उन दो वजहों तक पहुंचने के लिए हमें मंदाकिनी से जुड़े कुछ सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा। यूपी के मेरठ से आने वाली यास्मीन जोसेफ कैसे बन गई मंदाकिनी? क्या मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में न्यूड सीन करने का अफसोस है? 45 दिन की शूटिंग करने के बावजूद राज कपूर उन्हें अपनी फिल्म से क्यों निकालना चाहते थे? क्या मंदाकिनी ने वाकई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से शादी कर ली थी? ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बावजूद वो फिल्मों से दूर क्यों हो गई? मंदाकिनी आजकल कहाँ है और क्या कर रही है? आइए जानते हैं मंदाकिनी की जीवनी। फिल्मों में कैसे आई मंदाकिनी? मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था जोसेफ, जो कि ब्रिटिश थे। पैदाइश के वक्त मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ रखा गया था। यास्मीन 17 से 18 की उम्र में फिल्मों में काम करने मुंबई आ गई, मगर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बताया जाता है कि उन्हें 3 फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक इसी समय यास्मीन को राज कपूर ने स्पॉट कर लिया। वो अपने बेटे राजीव को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाने जा रहे थे। राम तेरी गंगा मैली नाम से बन रही इस फिल्म में यास्मीन लीडिंग लेडी के तौर पर ले ली गई, मगर राज कपूर को भी अपनी हीरोइन का नाम बार बार खल रहा था, इसलिए उन्होंने यास्मीन का नाम बदलकर मंदाकिनी कर दिया। दिलचस्प बात ये कि 1986 में आई फिल्म मजलूम के क्रेडिट प्लेट पर भी यास्मीन का नाम मंदाकिनी ही लिखा गया। 45 दिन की शूटिंग के बावजूद मंदाकिनी को अपनी फिल्म से क्यों निकालना चाहते थे राज कपूर? जब राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली बनाने का प्लान बनाया, तब उन्होंने डिंपल कपाड़िया का ऑडिशन लिया। डिंपल राज साहब के साथ बॉबी में काम कर चुकी थी, मगर डिंपल बॉबी के बाद राजेश खन्ना के साथ शादी कर फिल्मों से दूर हो चुकी थी। रमेश शर्मा ने राज कपूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसे दूरदर्शन पर दिखाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में डिंपल कपाड़िया के ऑडिशन वाला क्लिप भी शामिल था। इसके बाद ये रोल पद्मिनी कोल्हापुरे को ऑफर हुआ। पद्मिनी अपने एक इंटरव्यू में बताती है, राम तेरी गंगा मैली में काम नहीं करने का अफसोस रहेगा। उन्होंने राम तेरी गंगा मैली क्यों नहीं की, इस पर बात करते हुए पद्मिनी बताती है, मुझे फिल्म के ब्रेस्ट फीडिंग वाले सीन से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि जब मैं इस फिल्म के लिए बातचीत कर रही थी, तब वो सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मुझे फिल्म के किसिंग सीन से दिक्कत थी, इसका राजीव से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ऑन स्क्रीन किसिंग में कंफर्टेबल नहीं थी। जब मंदाकिनी और उनकी सफेद गीली साड़ी ने देशभर में तहलका मचा दिया। 16 अगस्त 1985 को मंदाकिनी और राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई। ये बतौर डायरेक्टर राज कपूर के करियर की आखिरी फिल्म थी, मगर देशभर में इस फिल्म को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मंदाकिनी को आज तक याद किया जाता है। फिल्म से उनका ब्रेस्ट फीडिंग वाला सीन भी भारी चर्चा का विषय रहा। लोगों ने कहा ये तो अश्लीलता है। सेंसर बोर्ड के रोल को लेकर बहस चालू हो गई, मगर फिल्म पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। राम तेरी गंगा मैली, क्रांति और मैंने प्यार किया के साथ 80 के दशक की 3 सबसे कमाऊ फिल्मों में गिनी जाती है। जब मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उन्हें न्यूड सीन्स करने का अफसोस है, जवाब में वो कहती है, मुझे राम तेरी गंगा मैली के किसी भी सीन को करने का कोई अफसोस नहीं है। मेरे फैंस मुझे उन सीन्स के लिए आज भी याद करते हैं। कुछ लोग अच्छे से याद करते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं खुश हूं वो किसी वजह से तो मुझे प्यार करते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे अपने दौर के सबसे दिग्गज फिल्म मेकर राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गईं, मगर उन्होंने आगे ऐसी फिल्मों में नहीं देखा गया जिसे दर्शकों या समीक्षकों ने पसंद किया हो। अपने डेब्यू के बाद मंदाकिनी आग और शोला, डांस डांस, प्यार करके देखो समेत कुल 40 से ज्यादा फिल्मों में नजर आईं, मगर एन चंद्रा की तेजाब को छोड़कर कोई भी फिल्म अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर तेजाब में मंदाकिनी ने कैमियो किया था।
1994 से 95 में दाऊद के साथ बाहर आई मेरी तस्वीरों ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। खबरें छपी कि मैंने दाऊद से शादी कर ली है, उस शादी से मुझे एक बेटा भी है। ये बातें बिल्कुल गलत है। मेरे और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते की खबरें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे कितनी बार ये सफाई देनी पड़ेगी कि दाऊद इब्राहिम के साथ मेरी कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रही, कभी भी नहीं। जब वो तस्वीरें अखबार में छपी, तब मैं शो के लिए कई बार विदेश जाया करती थी। एक बार मैं दुबई में परफॉर्म कर रही थी, दाऊद भी वहां था। हम मिले, हमने थोड़ी बातचीत की, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे फिल्म स्टार उससे मिलते हैं। मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि मैं दाऊद को जानती हूँ या उससे मिली हूँ, मगर मेरे और उसके बीच किसी तरह का संबंध नहीं है। यही मेरी सच्चाई है। मंदाकिनी आजकल कहाँ है और क्या कर रही है? 1996 में रिलीज होने वाली जोरदार मंदाकिनी के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। ये फिल्म 1988 में शूट हो चुकी थी, मगर किन्हीं वजहों से इसे रिलीज होने में 8 साल का वक्त लग गया। दाऊद कंट्रोवर्सी के बाद मंदाकिनी पूरी तरह फिल्मों से अलग हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने 2 म्यूजिक एल्बम निकाले किए, नो वैकेंसी और शंबाला नाम के। इन एल्बमों को पब्लिक ने खारिज कर दिया। जब मंदाकिनी को दाऊद के साथ जोड़ा जा रहा था, तब तक वो इंडिया में शादी करके सेटल हो चुकी थी। 1990 में उन्होंने डॉक्टर कागुर्ती रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। डॉ कागुर वही बच्चे है जो 70 से 80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एडवर्टिजमेंट में दिखाई देते थे। डॉक्टर कागुर जब बड़े हुए तो वो बौद्ध भिक्षु बन गए, मगर इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मंदाकिनी से शादी कर ली। कागुर और मंदाकिनी को इस शादी से 2 बच्चे हुए, बेटा रब्बील और बेटी इनाया। शादी के बाद भी कागुर ने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। शादी के बाद मंदाकिनी ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। फिलहाल मंदाकिनी अपने पति और बिटिया के साथ मुंबई के यारी रोड इलाके में रहती है। मंदाकिनी लोगों को तिब्बतन योगा सिखाती है और उनके पति वहीं पर तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।